हाल में अगर आप देखें तो ख़ातिन के साथ हमारे मुल्क की सतह पर देवी सम वेरी डिस्टर्बिंग इंसडेंट्स वायलेंस अगेंस्ट वेमेन इज़ ऑन द राइ सो मेरे ख्याल में हमारी फिफ्टी परसेंट ऑफ द पापुलेशन को प्रोटेक्ट करना और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना उनको ऐसे लेवल पर लेके आना कि देख इन थ्राइव वो अपना पोटेंशल जो है पूरे तरीके से सामने लेके आए एक मुल्क तभी तरक्की करता है देखें इसमें तो मैं कहूँगी कि हमारे हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को हैजेप जी इंपॉर्टेंट रीजन एंड बाकी यहाँ पोटेंशियल है में hmm. और जो uh, है आइडियाज भी हैं तो यू थिंक ये यहाँ से अच्छा खासा जो आप चाहते हैं जिस तरह खुत की empowerment हो, तो आप ब्राइट uh, देख रही हैं? जी मैं मैं ये कहूँगी कि मुस्तकबिल ब्राइट है असलम आप देख रहे हैं आयमन हूं शबीर मीर दार्जिन प्रोग्राम रूबरू में आज मेरी मेहमान है सदफ़ आबिद लाहौर से इनका ताल्लुक है और एक इदारा है एन जी ओ है सर्कल के नाम से जो ख़्वीन की एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी काम करती हैं और सदफ़ बिद आज कल गलगित बल्चिस्तान में है कुछ खातन की एम्पावरमेंट के हवाले से एक्टिविटीज़ कर रही हैं आज हम इन सब प्रोग्राम में ये जानेंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे सवाल हैं तो स्टे यून सदफ़ साहिबा बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है अगर आप लाहौर से आएँ कराची से आएँ तो आप पूछते पूछते कितना टाइम लगा था आपको जी हमारी फ़्लाइट जो थी वो लाहौर से तीन दफ़ा कैंसिल हुई गिलगित की फ़्लाइट बट uh, उससे हमने हिम्मत नहीं हारी बिकॉज वी यूर वेरी एक्साइटेड अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान ये मेरी एक ड्रीम रही है बट no, right? okay. uh, मैंने राका पोशी बेस कैंप uh, विजिट किया पहली दफ़ा उसके अगले साल मैं कनकोडिया गई एंड uh, फिर मैं शमशाल गई एंड आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि मैं इस इलाके में काम करूँ क्योंकि आई mm. फील यहाँ पे एक तो खूबसूरती है लोग बहुत अच्छे हैं खाना कल्चर एंड डिवेलपमेंट की ओपर्चुनिटीज़ हैं सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन फ्लाइट डिले हुई हमने फिर uh, गाड़ी ली mm. हम इस्लामाबाद पहुँचे रात गुजारी सुबह सवेरे स्कर्दू सक, की फ़्लाइट ली स्कर्दू से हम फिर देसई से होते हुए गिलगित पहुंचे हमने बहुत एंजॉय किया हम कोई रात के साढ़े नौ बजे गिलगित पहुँचे एंड रात यहाँ स्टे की और फिर अर्ली मॉर्निंग हम गजर के लिए निकल गए जहाँ हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया सही तो गिलगित आप कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में और किस तरह की एक्टिविटीज इस वक्त आप कर रही हैं जी सो बेसिकली हमने दो डिस्ट्रिक्ट चूज किए फॉर आर फर्स्ट इंटरवेंशन एक हमने गजर और दूसरा गिलगित तो so, ऑलरेडी मैं आपके इलाके में कोई एक हफ्ते से ऊपर हो गया है hmm. हमने फोर डे प्रोग्राम रन किया गज़र में ख़वान के लिए हमारा मकसद है कि खातन लेट बिजनसेज जो हैं वो सामने आएँ hmm. जो एग्जिस्टिंग बिजनसेज हैं हम उनको सपोर्ट करें ग्रो करने में अगर वो आज एक एम्प्लॉई है उनका तो वो तीन पे जाए यू नो एंड हम न्यू एंटरप्राइजेस को इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करें हमारी जो ट्रेनिंग है उसको एफएनएफ जो कि एक जर्मन एनजीओ है उन्होंने सपोर्ट किया और उसी वजह से हम गिलगित बल्तिस्तान में अब ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो है खातन लेट कितने सामने आए आपके इस दौरान? जी सो so, uh, uh, गज़र में थर्टी फाइव वेमेन जॉइंट पंद्रह डिस्ट्रिक्ट से hmm. और कई खातानी दूर दूर से भी आई थी और उनको खान इकनॉमिक प्लानिंग बोर्ड जो कि हमारे पार्टनर हैं hmm. उन्होंने उनको ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की भी सहूलत दी uh, तीन खुवान के बच्चे भी थे तो वी क्रिएटेड अ वमेन फ्रेंडली स्पेस ग्यारह खीन हैं गज़र में जिनकी एग्जिस्टिंग बिजनेसिस थी और बाकी सारी इस उम्मीद से आई थी कि जो उनके आइडियाज़ हैं उनको वो आगे लेके जा सकें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि, कि ये चार दिन का जो प्रोग्राम है इट हैज़ फॉलोड अ वेरी लेकिन यानी ये लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है हमने पावर पॉइंट्स नहीं खोली हैं अगर आप अभी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी विज़िट करें तो नहीं। नहीं। आपको स्टिकी नोट्स नज़र आएंगे पिंक ग्रीन येलो हमने प्रॉब्लम डिस्कवरी से स्टार्ट किया खातन के प्रॉब्लम्स क्या हैं टॉप मसले क्या हैं तो हमने हर पार्टिसिपेंट को इनक्रेज किया कि अब एटलीस्ट दस मसले आइडेंटिफाई करें उसके बाद हमने पैटर्नस बनाने शुरू किए क्लस्टर्स बनाए कि क्या कॉमन चैलेंजेस आ रहे हैं और अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कनेक्टिविटी इज अ बिग चैलेंज जो के सामने आया फाइनेंस हाईलाइट किया गया एंड ऑल्सो यू नो माइंड सेट इस पर भी ख़वात ने बात की कि फेलियर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली बिकॉज तरजीह दी जाती है कि जॉब ले लिया जाए वर्सेज की आप ऑनटरप्रनरशिप करें वी नो नाइन्टी परसेंट बिजनेसिस कैन फेल अगर आप ग्लोबल स्टार्ट देखें लेकिन हर एक्सपीरियंस से आप hmm. मजबूत होते हैं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं प्रॉब्लम uh, डिस्कवरी के बाद हमने कस्टमर पर फोकस किया एम्पथी ठीक है टू रियली सिंपथी नहीं एम्पथी मैं अपने कस्टमर की पेन पॉइंट्स समझ Same. सकूं वैल्यू क्रिएट yes. करूं क्योंकि बेस्ट चीज़ यह है कि आपसे कोई चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो और आप उस कस्टमर की सोच समझे तो हमने परसोनाज डेवलप किए मेरा टिपिकल कस्टमर कौन है उसकी तरजीहत क्या, क्या है आ, उसकी ज़िंदगी क्या है उसकी जर्नी समझी सो so ये ख़वातन सारे इस प्रोसेस से गुजरी हैं उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग पे आए देखिए एक सोच आ, हमने ये भी नोटिस की कि एक सोच थी कि यू नो हमारे कस्टमर्स हैं जो यहाँ हैं लोग मेरे पास आ रहे हैं टूरिस्ट या लोकल्स बट हमने उनको ये दिखाया कि थिंक बिग ठीक है स्टार्ट लोकल बट थिंक बिग Hmm. आपकी मार्केट जो है वो पूरा पाकिस्तान है hmm. आप कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ये टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो अब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे वी डाइव डीप ऑन डे थ्री उस पर हमने इनको ट्रेनिंग दी है एंड द इम्पॉटेंट थिंग इज दिस इज़ नॉट अ चेक बॉक्स एक्टिविटी कि हम आए हमने ट्रेनिंग की वी ऑल नो दिस आई बीन वर्किंग इन डेवलपमेंट फॉर सेवरल यर्स नाउ कि एक वर्कशॉप से फर्क नहीं पड़ता इसलिए हमने एक फाइव वीक्स का ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ मिलके के खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के साथ मिलके वी आर एक्चुअली वी हैव एक्चुअली गिवन देम डेटा पैकेजेस तो ये उनके पास फैसिलिटी मौजूद है कि mm -hmm. उनके पास वाईफाई का कनेक्शन होएगा mm -hmm. स्मार्टफोन्स के ज़रिए हम उनके साथ चेक इन करेंगे गज़र so, की खुतिन के साथ कल हमने चेक इन किया वी हैड गिवन देम अ टारगेट कि आपने फेसबुक पेजेस बनाने हैं इंस्टा पेजेस बनाने तो अब हम ये फॉलो अप्स कर रहे हैं सिमिलरली वी गोइंग टू ट्रैक इकोनॉमिक यू नो शिफ्ट कि वो क्या आ रहा है कोई मिसाल मैडम आप आ, के जहन में है कि लेट सपोज कोई एक प्रोडक्ट अगर हम आ, जिसको गिज़र से किसी खातून कोई उसका बिजनेस हो जिसको अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सपोर्ट करें तो ये कहाँ होगा लिंक कहाँ से करें देखिए दो तीन आइडियाज़ हमारे सामने आए हैं गिजर एंड गिलगित को अगर हम देखें एक तो है ग्लेशियर वाटर ग्लेशियर वाटर जो है इस इलाके का इट्स 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 अ यूनिक स्ट्रेंथ उसमें मिनरल क्वालिटीज़ हैं इस पर रिसर्च भी की गई है कि दिस इज़ रियली बेनिफिशियल सो आई थिंक दिस दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अगर इसको सही तरीके से किया जाए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस पर भी खातन सोच रही हैं एप्रीकॉट ऑयल वॉलट ऑयल इनके स्क्रब्स बनाए hmm. जा सकते हैं इनके हेयर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं उस आ, आपको पता है पाकिस्तान में ही एक uh, है को नेचुरल उन्होंने विमेन लेड एंटरप्राइज है उन्होंने नेली मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं सो hmm. so, इन चीज़ों में पोटेंशल है इट ऑल स्टार्ट विद आइडिया को किसी प्रॉब्लम में सिचुएट होना चाहिए मार्केट <coughs> होनी चाहिए और फिर वो डिटर्मिनेशन इंथ्यूजिया जर्नी एंड पार्टनरशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस कनेक्टिविटी की आपने भी बात की यह तो बहुत बड़ा मसला है अगर सिर्फ गिलगित के हद हाँ तक, तक तो अब बेहतर हो रहा है यहाँ पर फाइबर भी है और शायद कुछ और जगहों में भी तो ये चैलेंज कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है देखिए इसमें तो मैं कहूँगी कि हमारी हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को हैजेप जी इंपॉर्टेंट रीजन एंड बाकी यहाँ पर और जो uh, आइडियाज भी हैं hmm. तो यू थिंक ये यहाँ से अच्छा खासा जो आप चाहते हैं जिस तरह खीन की एम्पावरमेंट हो तो मुस्तकबिल आप ब्राइट uh, देख रही हैं जी मैं मैं ये कहूँगी कि मुस्तकबिल ब्राइट है आ, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें कलेबोरेट करना है हमें स्ट्रटिजिक इंटरवेंशन लेके आनी है हमारी टीम जो है मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि फैसल शेरजान साहब जो हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं इन्वेस्टर हैं लम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं लम्स के इनक्यूबेशन सेंटर के वो हमारे साथ शामिल हैं इस जर्नी में इस प्रोसेस में लीड कर रहे हैं इस वर्कशॉप को सो mm -hmm. so, उनका बहुत तजर्बा है सो दैट्स अ बिग एसेट देन वी हैव कलीम साहब वो जो हैं डिजिटल मार्केटिंग में और टेक की साइड में एक्सपर्टीज uh, रखते हैं सो द थ्री ऑफ आस है आई हैव वर्कड इन माइक्रो फाइनेंस बिफोर हमने जो है स्मॉल uh, पैमाने पे ख़ुतिन को लोन्स देना ये प्रोग्राम किया था मेरा जो अदारा है सर्कल इट्स अ नॉन प्रॉफिट हमारा गोल है वमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड आंट्रप्रनरशिप शीला स्टेप टेक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है एच हमें इस पर सपोर्ट करता है इट केम टू जी बी लास्ट ईयर ऑल्सो इस साल हमारे राउंड्स जो, जो हैं वो अभी uh, कोई दस दिन में शुरू हो रहे हैं दार सना वे के ख़ुत जो हैं यूथ जो हैं सर्कल वुमेन के फेसबुक पेज पर जाएँ ये राउंड्स अटेंड करें देखें वी लर्न इफ़ वी डू

जाहिर है इकनॉमिक एम्पावरमेंट मर्द औरत सब की गवर्नमेंट uh, का मतलब मैंडेट के अंदर है इन्होंने करना ही करना है अगर गवर्नमेंट के एंड पे कनेक्टिविटी uh, के अलावा हम गवर्नमेंट से क्या कह सकते हैं कि वो इंश्योर करें ये ये स्टेप्स के जिससे स्मूथली हम uh, अपना गोल देखिए हाल में अगर आप देखें तो खातिन के साथ हमारे मुल्क की सतह पर बीन सम वेरी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स वायलेंस अगेंस्ट इज़ ऑन द सो मेरे ख्याल में हमारी 50 परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना hmm. उनको ऐसे लेवल पे लेके आना कि देखें थ्राइव वो अपना पोटेंशियल जो है पूरे तरीके से सामने लेके आए एक मुल्क तभी तरक्की करता है सो वी हैव टू क्रिएट सेफ स्पेसेस, वी हैव टू इन्वेस्ट इन वेमेन उनकी स्किल्स में उनकी कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा जिस तरह लीडरशिप में हमें खुवान की ज़रूरत है यू नो अगर इफ़ आई डोंट सी वेमेन इन लीडरशिप रोल्स द मैसेज आई गेट इज़ ये बहुत मुश्किल है True. ये नहीं किया जा सकता तो पॉलिसी मेकिंग में भी ख़ुत की शमूलियत होनी चाहिए उनकी वॉइस जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए आई थिंक वी एज नेशन विल थ्राइव व्हेन मैन एंड कलाबरेटिस्तान में काफ़ी खुवान हैं जो कि पॉलिटिशंस भी हैं मुख्तलि गाउस के अंदर भी हैं कोई आपकी उनके साथ कोई कोलाबोरेशन या कोई इंटरेक्शन ही हुआ है uh, अभी हमारा पॉलिटिशंस के साथ नहीं okay. हुआ है बट वी हैव हैड द चम्बर ऑफ कॉमर्स Uh, वो हमें विजिट करने आए थे ग़र आगा ख़ान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड हैज़ बीन वेरी एक्टिवली एक्टिवलीवाल्व काउंसिल के मेंबर्स बहुत एक्टिवली एक्टिवलीवाल्व रहे हैं उस तरह से हमें लोकली बहुत uh, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड वी वी आर होपिंग दैट कैन एंगेज विद जी बी गवर्नमेंट वी डू टू एंगेज विद ऑन दिस एजेंडा ऑफ आंट्रप्रीनियोरशिप एंड डिजिटल स्किल्स बहुत शुक्रिया आप हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम आपने फीडबैक जरूर दीजिए इजाज़त